अनोखी वायरल और हैरान कर देने वाली खबरों के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कहां आवारा कुत्तों ने मां बेटी को घेरा, कुत्तों की वजह से हो गया एक्सीडेंट, कहां हिंसा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में टूट पड़े लोग, 3 करोड़ का सामान लूटने का दावा, और आरिफ और सारस के बाद कहां से आई इंसान और एक मोर की अनोखी दोस्ती की खबर। शुरुआत करते हैं ओडिशा के बहरामपुर से आए वायरल वीडियो के साथ। इस सीसीटीवी वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे आवारा कुत्ते स्कूटी से जा रही महिलाओं के पीछे पड़ गए, इस वजह से जोरदार एक्सीडेंट हो गया। कुत्ते जैसे ही स्कूटी से जा रही महिलाओं के पीछे दौड़े तो घबराहट की वजह से स्कूटी सामने खड़ी कार से टकरा गई। बच्ची के साथ 2 महिलाएं धड़ाम से सड़क पर गिर गए। बताया जा रहा है कि एक मां अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रही थी, इसी दौरान यह हादसा हो गया। जैसा कि वीडियो में दिख रहा है कि स्कूटी पर 2 महिलाएं और एक बच्ची के अलावा एक कुत्ता भी था। कहा जा रहा है कि इसी कुत्ते को देखकर आवारा कुत्ते स्कूटी के पीछे दौड़े और जिस वजह से यह हादसा हो गया। दूसरी हैरान देने वाली वीडियो बिहार के नालंदा से है, जहां हिंसा के दौरान लोगों ने एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम लूट लिया। शोरूम मालिक का दावा है कि डिजिटल दुनिया नाम के शोरूम से उपद्रवी करीब 3 करोड़ रुपए का सामान लूट ले गए। हिंसा की आड़ में लूटपाट की यह घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डिजिटल दुनिया के मालिक हैदर आजम ने कहा, मेरे डिजिटल दुनिया मॉल पर अज्ञात लोगों ने हमला करके सारा माल लूट लिया। मुंबई में रहने के बावजूद बिहार के लोगों को रोजगार देने के लिए हमने वहां कारोबार शुरू किया था। इस प्रकार के हादसे को देखकर कौन आएगा बिहार में काम करने। डिजिटल दुनिया के मालिक हैदर आजम महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव है। हैदर आजम के छोटे भाई जावेद आजम बिहार में डिजिटल दुनिया का काम संभालते हैं। आजम बंधुओं के पूरे बिहार में इलेक्ट्रॉनिक सामान के 8 बड़े शोरूम है। उपद्रवी शहर की मेन मार्केट में मौजूद डिजिटल दुनिया शोरूम से करीब 3 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक सामान समेत मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि लूट ले गए। तीसरी अनोखी खबर मध्य प्रदेश से है। यूपी के आरिफ और सारस की दोस्ती तो आपने सुनी ही होगी, तो अब देखिए शिवपुरी के दौलतराम और मोर की दोस्ती। दौलतराम और मोर की ये दोस्ती 3 साल पुरानी है। 3 साल पहले दौलतराम को मोर का एक छोटा सा बच्चा मिला था, जिसके बाद दौलतराम ने उसे सहारा दिया। तब से ये मोर और दौलतराम दोस्त बन गए। दौलतराम ने इसका नाम रूबी रखा है। रात भर रूबी का बसेरा पेड़ होते हैं और दिन में दौलतराम का घर। ये मोर रूबी दौलतराम के घर पर ही आकर खाना खाती है और घर के ही आसपास रहती है। दौलतराम के बच्चों के साथ खेलती भी है, लेकिन जैसे ही शाम होती है वो अपने बसेरे में चली जाती है। फिलहाल दौलतराम और मोर रूबी की ये दोस्ती इलाके में मशहूर हो गई है। न्यूज़ तक ब्यूरो।